इट हैज बिन टेन मंथ सिंस माई चैनल गॉट मॉनिटाइज एंड ओ माई गॉट इट वॉज वन हैल ऑफ राइड मुझे काफी लोग पूछते हैं आपका चैनल मॉनिटाइज हो गया है कि नहीं क्या प्रोसेस है उसका एंड हाउ मच डू यू अर्न तो आज की वीडियो में मैं वो सब कुछ शेयर करूंगी विदाउट गेट कीपिंग एनी थिंग सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट यूट्यूब मॉनिटाइजेशन एंड माई अर्निंग कीप इन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक आउटेंट हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर्द ब्लाबरिंग राइट इन टू द वीडियो तो शुरू से शुरू करते हैं नाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब फर्स्टली मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर हेड कि यूट्यूब आपको पे नहीं करता है यू गेट पेड थ्रू सो यू आर पुटिंग अप आपको उसका पैसा नहीं मिल रहा है अनटिल गूगलोल इट इज अ ब्रांड कोलाबोरेशन आपको पैसा मिलेगा जो आपकी विडियोज में एड्स चल रहे हैं द नंबर ऑफ व्यूज ऑन दो एड्स इज वट विल गिव यू मनी नाउ दैट दैट इज क्लियर आपको उससे भी अर्न करने के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ यूट्यूब पार्टनर प्रो Program, YPP, and उसके दो क्राइटेरिया होते हैं फर्स्ट यू नीड टू हैव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन योर चैनलेंड पब्लिक प्रीवियस नाइन्टी डेज सो ना वट दैट मीन इज की पिछले थ्री सिक्सटी फाइव डेज में आपने जितनी भी लॉन्ग वीडियोज में व्यूज अर्न किए हैं उसको मिला के इफ यू हैव फोर थाउजेंड वॉच आर्स देन योर एलिजिबल इसमें प्राइवेट है ओनली दब्लिक लॉन्ग फॉर्म विडियोज नीड टू हैव फोर थाउजेंड वॉच आर्स फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर वाईपीपी एल्स आपके जो शॉर्ट्स आप डाल रहे हो उसमें पिछले नाइनटी डेज में आपके शॉर्ट्स पे टेन मिलियन व्यूज होने चाहिए दीज आर द टू क्राइटेरियाज जिसमें से कोई एक भी आपका क्लियर होगा प्लस आपके चैनल पे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स होंगे सो यू विल बी एलिजिबल फॉर वाई पी पी ना फोर मी इट टुक कंप्लीट वन ईयर एंड सिक्स मंथस टू हिट द वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स का मार्क ओ माई गॉड वो वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स गेन करना वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी बट इट डिड नॉट एंड देयर बिकॉज वट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट वॉज कम्प्लीटिंग द फोर थाउजेंड वॉचर्स इवन जब मेरे वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए थे आई वॉज नो वेयर नियर द मार्क ऑफ फोर थाउजेंड वॉचर्स एंड Literally, at one point, I thought it was impossible to hit that mark, and I had literally given up hope. I still remember there was a time that the first thing I did in the morning was. चेक माई फोन एंड एवरी डे आई यूज टू सी कितना बढ़ा कितना बड़ा एंड एवरी डे थोड़ा सा बढ़ता था कभी कभी थोड़ा सा घट भी जाता था बट थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को मैंने एक हेयर वाला वीडियो डाला था एंड इट्स अप लाइक दैट वीडियो लिटरली गॉट वायरल आज भी मेरे चैनल का वो बेस्ट परफॉर्मिंग विडियो है इट्स स्टार्टेड ब्लोइंग अप एंड हाउ एंड इन जस्ट टू एंड हाफ मंथ फ्रॉम दैट डे आई गॉट माई चैनल मोनिटाइज दैट वॉज द वन विडियो जिसने अकेले ही मेरा पूरा चैनल मोनिटाइज कर दिया था दैट वीडियो वॉज डूइंग सो वेल ऑन माई चैनल इट्स इज एंड सो ऑन ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मैंने वो फोर थाउजेंड वॉचर्स का भी मार्क कम्प्लीट कर लिया था सो आई वॉज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द YouTube's पार्टनर प्रोग्राम जब आपके ये दोनों क्राइटेरियाज कम्प्लीट हो जाते हैं तो आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो आपके यूट्यूब स्टूडियो से ही आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन मेल भी आ जाएगा सो so आई applied फॉर द वाई पी पी ऑन ट्वेल्थ ऑफ़ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब इसके भी कुछ यू नो चेक्स होते हैं आपको एड्स एंड अकाउंट अपना लिंक करना पड़ता है आपके चैनल पर कोई भी कॉपी राइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें YouTube चेक करता है एंड वंस एवरी थिंग इज़ वेरीफाइड एंड यू आर यू नो फिट टू अर्न तब आपको चैनल uh, मतलब वो लोग वेरीफाई कर देते हैं एंड यू आर अप्रूव्ड एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए इट टेक्स अप टू थर्टी डेज बट मेरा उतना टाइम नहीं लगा था माई चैनल डिड नॉट हैव एनी कॉपी राइट इशूज एंड लाइक एवरी थिंग दैट वेज वॉज गुड सो आई थिंक उसके वजह से मेरा एक ही दिन में हो गया था लाइक अंडर ट्वेंटी फोर आवर्स माई वेरीफिकेशन वॉज ऑल डन एंड

एंड uh, मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो शायद और लोग नहीं बताते हैं सो so, चलो सबसे पहले देख लेते हैं हाउ मच आई अर्न इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मी गेटिंग मोनिटाइज दिस इज माई चैनलिटी एंड मैंने कस्टम लगा रखा है फ्राम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी एथ अप्रैल सो द फर्स्ट मंथ दैट माई चैनल मोनिटाइज्ड वॉज इन अप्रैल सो यू कैन सी यहाँ पे इलेवेंथ अप्रैल तक इट इज़ ज़ीरो डॉलर्स So, yes, you earn in dollars. And then, 12th April was the day my channel got monetized. So, the first day I earned half a dollar, which is so less. Then, the second day, it got up to $2.92. And then, you know, the graph. केप्ट वेयरिंग कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था सो so, अप्रैल को द बेस्ट परफॉर्मिंग डे वाज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल जिस दिन मैंने 6.35 पॉइंट थ्री फाइव डॉलर्स अर्न किया था एक दिन में सो so, इसी तरीके से लाइक कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस

फिफ्टी वन डॉलर्स आ गया है डज इन मीन यू कैन क्रेडिटेड इन टू योर अकाउंट नो देर इज़ अ थ्रेश होल्ड ऑफ हंड्रेड डॉलर्स जब भी आप वो हंड्रेड डॉलर्स का मार्क हिट करोगे उसके बाद ही आप अपना अर्निंग निकाल सकते हो सो अंडलेस योर अर्निंग हिट्स हंड्रेड डॉलर मार्क चाहे उसमें कितने भी मंथ्स लग जाए आप पैसा नहीं निकाल पाओगे सो so, क्लियरली मैं अपना पहला अर्निंग अप्रैल में नहीं निकाल पाई थी uh, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वो स्टोरी कभी बाद में बताऊँगी कॉमेंट्स में बताने फे इंटरेस्टेड टू नो वट ऑल गोज़ बिहाइंड क्रेडिटिंग द अमाउंट इन योर अकाउंट अभी जैसे आपने देखा इट वॉज फिफ्टी वन डॉलर्स फॉर द फिफ्टीन डेज लाइक द फर्स्ट फिफ्टीन डेज क्योंकि अप्रैल में फिफ्टीन सेवनटीन डेज का ही मुझे रेवेन्यू मिला था इट डज नॉट मीन कि मुझे हर पंद्रह दिन में फिफ्टी वन डॉलर्स मिलते हैं नो नॉट एट ऑल आपके रेवेन्यू डिपेंड करता है प्योरली अपॉन उस महीने आपकी कितनी वीडियोज़ कितनी अच्छी चली है सो एज ए सेट दैट उस टाइम पे दे वॉज अ वीडियो दैट वॉज गोइंग वायरल एंड उसी वीडियो से आई वॉज अर्निंग दिस अमाउंट एंड इट वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड अ लॉट ऑफ इंगेजमेंट तो उसके वजह से आई वॉज़ अर्निंग वेरी गुड इन द स्टार्टिंग डेज लाइक गुड एज इन फिफ्टी डॉलर्स के करीब मेरा फिफ्टी टू सेवेंटी डॉलर्स अ मंथ हो जा रहा था बट आफ्टर टू टू थ्री मंथ्स इट रिड्यूस ट्रेमेंडसली बिकॉज दैट वीडियोज इंगेजमेंट ड्रॉप्ड ग्रेजुअली तो जैसे जैसे वो कम हो रहा था वैसे वैसे मेरा एडसेंस अमाउंट भी कम हो रहा था बिकॉज नॉट ऑल वीडियोज डू दैट वेल ऑन माई चैनल सारी वीडियोज़ नहीं वायरल जा रही है सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट एडसेंस मनी इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन क्योंकि इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कि किस महीने आपके कौन सा वीडियो कितना चल रहा है आपका आर कितना है सी कितना है एंड वो सारी नीशेज़ के लिए सारी कंट्रीज के लिए बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू यू एस इंडिया का बहुत ज़्यादा कम होता है देन uh, अगर आप फाइनेंस नीच में हो तो वहाँ पर आपका ज़्यादा रहता है ब्यूटी इंडस्ट्री में थोड़ा कम रहता है ऐसे बहुत सारी नीच कंट्रीज़ इन सब के बेसिस पे आपका अमाउंट डिसाइड होता है इट इज़ नॉट फिक्सड फॉर एवरी वन सो दैट इज समिंग दैट यू नीट टू कीप इन माइंड कभी मुझे दो महीने लग जाते हैं कभी तीन महीने लग जाते हैं टू हिट द हंड्रेड डॉलर मार्क बट या दैट इज वॉट एट मनी इज अबाउट इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है दै द लॉन्ग फॉर्म वीडियोज का एंगेजमेंट इज डेड आई डोट नॉट नो वॉट हैपन मतलब इट वॉज लाइक माई वीडियोज वो गोइंग वायरल ओवर नाइट एनी वेज बट स्टिल थोड़ा बहुत यू नो जितना भी था मेरा व्यूज कंसिस्टेंट रहते थे बट सिंस मंथ टू आई डू नॉट नो वॉट इज हैपन बट यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग एंड वैन आई से नॉट परफॉर्मिंग आई मीन दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग भी नहीं बोलूँगी दे आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग बट आई स्टिल डू नॉट वॉन्ट टू गिव अपन इट बिकॉज मेकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ इज माई थेरेपी आई लव सिटिंग डाउन चैटिंग विद यू गाइज क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ में बनाने में मुझे जितना मजा आता है और वो कंपेरेटिवली ईजी भी होती हैं कम टाइम लगता है इन ऑल दैट जा बट स हार्ड टू हार्ड कनेक्शन विद समिंग दैट यू कैन जस्ट अचीव थ्रू लॉन्ग फॉर्मी शॉर्ट फॉर्म वीडियोज में ये नहीं हो पाता है सो आई एम नॉट गंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोज इवन इफ देर आर जस्ट फाइव पीपल वॉचिंग माई विडियोज आई विल मेक इट फॉर यू फाइव पीपल सो या दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो इस वीडियो से एंड यू गॉट टू नो समथिंग मोर अबाउट द यूट्यूब मोनिटाइजेशन थिंग तो मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको और कौन से वीडियोज देखने आई विल लव टू फिल्म दैम फॉर अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेल्दी बाय बाय